बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबको किसी भी बड़ी टेंशन से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मायनीज फ्राइड सैंडविच लेके आई हूँ। ये सैंडविच हम बेकरी से परचेज करके बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सैंडविच घर में ही बनाना सिखाऊंगी, ताकि घर में एक बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ये बनाए जाएँ और आप लोग घरों में बैठ के इंजॉय कर सकें। रेसिपी आज की थोड़ी लंबी है, इसलिए कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। इसमें मैंने 9 पीसीस ब्रेड के यूज़ किए हैं। एक पाव मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। 4 अदद हम इसमें एग यूज़ करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज लेकर उसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून हम मायनीज यूज़ करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून हम चिली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे। 2 अदद सब्ज मिर्चें लेकर हम उसको बारीक चॉप कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेकर हम उसको इस तरह राउंड शेप में कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक स्लाइसिस। इस तरह 1 हम दरमियाने साइज़ का टमाटर लेकर उसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें तिक्का भुट्टी मसाला यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून हम इसमें सिरका यूज़ करेंगे। 1/3 टीस्पून यानी टीस्पून का तीसरा हिस्सा हम इसमें साल्ट यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून मिल्क, 1 शिमला मिर्च लेकर हम उसको बिल्कुल छोटे क्यूब में कट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें अदरक पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। चलें अब इसमें हम सबसे पहले चिकन मेकिंग की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। इसमें चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जब तक प्याज नरम ना हो जाए। चिकन और प्याज ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है, अब हम थोड़ी सी फ्लेम हाई करके पानी को ड्राई कर लेंगे 90% तक। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। देखें व्यूअर्स, पानी 90% तक ड्राई हो चुका है, अब हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, अदरक पाउडर, टिक्का मसाला पाउडर, साथ इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली सॉस और इनको हम मिक्स कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट इसको सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद कुक करते हैं। मैंने इसमें नमक बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि टिक्का मसाला पाउडर और चिकन पाउडर में भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, लेकिन आप लोग चिकन बनाते हुए एक दफ़ा टेस्ट कर लें, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 से 1.5 मिनट कुक करने के बाद इसमें ये मिल्क ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। चिकन में से व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। चिकन ऑलमोस्ट हमारा 90% तक कुक हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे और ये सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये मसाला बिल्कुल ड्राई सा नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हम आखिरी 1 मिनट में फ्लेम हाई करके मसाले को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। व्यूअर देखिए मसाला ड्राई हो चुका है और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस चिकन को हम एक अलग बॉल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये कुकिंग ऑयल इससे चिकन को अलग करके हम इसको बॉल में निकालेंगे, कुकिंग ऑयल उसमें नहीं जाना चाहिए। चिकन रेडी हो चुका है, अब हम 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। इनके ब्राउन कॉर्नर हम अलग नहीं करेंगे, अब हम एक स्लाइस पर चिली गार्लिक केचप लगाएंगे, उसके ऊपर हम ये चिकन की लेयर लगाएंगे। ऐसे हम इसके ऊपर चिकन की अच्छे से लेयर लगा कर अब हम दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम दोबारा केचप लगाएंगे, उसको ऐसे हम कवर कर देंगे चिकन के ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा केचप लगाएंगे और इस स्लाइस के ऊपर भी हम केचप ऐड करेंगे। फिर हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो आप ये रख लें, अगर टमाटर पसंद आपको नहीं है तो फिर आप इसकी जगह खीरे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और इसको हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। छुरी आप तेज़ वाली यूज़ करेंगे तो फिर ये सही से कट होगा। रिवर्स ऐसे हम काट कर इसके 2 हिस्से कर लेंगे ट्रायंगल शेप में, ऐसे हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी सैंडविचेस भी रेडी कर लेते हैं और उसके बाद
फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। व्यूअर्स, अब हम एक बॉल लेंगे। बॉल हम ज़रा इस तरह का लेंगे जिसमें ये सैंडविच पूरा डिप हो सके। इसमें हम चारों एग्स बीट कर लेंगे। अब हम इन चारों एग्स को बहुत अच्छे से एक मिनट तक बीट करेंगे। एग्स को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम एक कप कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे। अब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक सैंडविच उठाएंगे और उसको इस तरह चारों तरफ से इस एग में डिप करेंगे और इसको हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। 30 सेकंड के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम 30 सेकंड के लिए इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ऑयल हम इसमें ज़्यादा लेंगे कम लेंगे तो ये ठीक से फ्राई नहीं होगा। इसके ऊपर क्योंकि एग लगा हुआ है इसलिए ये ऑयल इस सैंडविच के अंदर नहीं जाएगा। इस चीज़ से आप परेशान मत होना कि ऑयल ज़्यादा है तो ये सैंडविच फुल ऑयल से भर जाएगा। इसके बाद हम इसको टिशू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो इसकी लेयर के ऊपर है वो टिशू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। देखें व्यूअर्स, हमारा सैंडविच माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसी तरह हम अपने बाकी सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको हम इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। व्यूअर्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से सैंडविचेस बन के रेडी हो चुके हैं और उन पर देखें कलर माशाल्लाह कितना मज़े का आया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे तो इस तरह बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अब हम इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक पीस लेकर हम उसको उसके ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून अच्छे से हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके हाफ हिस्से पर थोड़े से टमाटर के पीस ऐड करेंगे, ये जो हमने टमाटर के पीसीस क्यूब्स में कट किए हुए थे ये वाले। और हाफ हिस्से पर हम थोड़ी सी शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको हम छुरी की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से इनको ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि ये मायोनीज़ के ऊपर स्टिक हो जाएं। बेकरी स्टाइल हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मायोनीज़ फ्राइड सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए यमी सी रेसिपीज लेके आऊँ जो आप इजीली बना भी सकें और उसको इंजॉय कर सकें। आप इसको टी टाइम में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाने की ट्राई करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।